श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगा वालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर होलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स नजदीक रेलवे स्टेशन मीना बाजार मंडी डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जब देश में बात खेलों की होती है तो हरियाणा का नाम भी जुबां पर आता है और ऐसे में सिरसा जिला भी खेलों में जिस बात को लेकर जाना जाता है उस उद्देश्य को भी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन 11 सालों के बाद लाखों रुपए की लागत से इस देश प्रदेश को पदक दिलवाने वाले उस स्टेडियम की हम आपको खस्ता हालत दिखाएंगे जो अब सिर्फ आंसू बहा रहा है। ये तस्वीर हम आपको डबवाली के गांव गोदिका की दिखा रहे हैं, जहां पर वर्ष 2009 में राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर की नींव रखी गई थी और 2011 में इसका उद्घाटन किया, जिसको हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की द्वारा बनाया गया था। उस वक्त सांसद डॉक्टर अशोक तंवर थे और जो पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री हुड्डा के डॉक्टर केवी सिंह के कर कमलों से इसका नींव पत्थर भी रखा गया और इसका जो उद्घाटन भी किया गया। उस वक्त सरपंच इसके इस गांव से श्रीमती विद्या देवी बिस्सू थे। 11 सालों में इसकी हालत अब देखी नहीं जाती है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये ना तो डबवाली ना गांव गोदिका को मेडल दिलवा सका, कोई खिलाड़ी यहाँ पर अपना भविष्य बना सका। हाँ, इतना जरूर है कि असामाजिक शरारती तत्वों की ओर से इसे खंडर बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया है। जिस बिल्डिंग के दो गेट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आलिशान गेट भी लगाए गए थे। यहाँ पर बाहर से हवादार जो जालीनुमा गेट था, अंदर से बहुत मजबूत जोड़ी थी जो इसे भी ले गए हैं। और इसमें भी इंस्टॉल किया गया सामान था वो सब खंडर हो चुका है। हम आपको बारी बारी तस्वीर दिखा रहे हैं हर चीज की, जिसमें आप देखेंगे शौचालय से लेकर इसकी जो बिल्डिंग पूरी झज्जर दरारें आ चुकी हैं, यानी कि किसी भी वक्त ये स्टेडियम गिर सकता है। और इस बात की शर्म आती है बताते हुए कि हमारा विभाग हरियाणा सरकार दावे करती है खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के, ना आज तक कोच मिल पाया ना सुविधाएं मिल पाई। और ऐसे में जब इनकी हालत ऐसी है तो प्राइवेट फेडरेशनों ने धंधा शुरू करके, कुछ एक ऐसी फेडरेशनें हैं जिन्होंने बच्चों को खाली तगमे दिलवाने का ठेका ले लिया, यानी कि वो हर गांव हर स्कूल से हर महीने हर साल में गोल्ड मेडल दिलवाते हैं और सिर्फ वो कागजों तक सीमित रह जाता है। सरकार के कोटे से कोई बच्चा मेडल नहीं ले पाता है क्योंकि उसे जनाब सुविधाएं नहीं मिल पाती है। करीब 6 एकड़ में बना ये बहुत ही आलिशान उस वक्त का स्टेडियम जो आज अपनी किस्मत पर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसमें हर तरीके की खेल का ट्रैक से लेकर वॉलीबॉल से लेकर फुटबॉल से लेकर बैठने तक की सुविधा, हॉस्टल टाइप विश्राम गृह इसके अंदर तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी। लेकिन सब कुछ अब धराशायी हो चुका है और इतने साल बीतने के बावजूद भी ना यहाँ पर कोच की नियुक्ति हो पाई, ना यहाँ के लोगों को खिलाड़ियों को कुछ सुविधाएं मिल पाई और सिर्फ ये एक सफेद हाथी बनकर रह गया है। सिरसा का खेलों में शुरू से दबदबा रहा, हॉकी में सिरसा के गांव संत नगर को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपको परेशान हैरान कर सकती है और हमारा ये भी दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ऐसे में हमारे खिलाड़ी कैसे देश के लिए राज्य के लिए गांव के लिए मेडल लेकर आ सकते हैं। ना कोच ना मैदान ना सुविधाएं, फिर भी पदकों की आस हम लगाए बैठे हैं। जिले में 9 ऐसे राजीव गांधी खेल परिसर बनाए गए हैं, सबकी कमाबेश स्थिति यही है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आवाज भी उठा रहे हैं तमाम उन नेताओं तक प्रशासनिक अधिकारियों तक जो सिर्फ लिपा पोती करने का काम करते हैं। और कोच की कमी से शुरू से ही हमारे खिलाड़ी हैं वो लगातार जूझ रहे हैं, ना यहाँ पर कोई ग्राउंडमैन की सुविधा है, ना किसी तरीके का रखरखाव, ना इसके गेट तक लोग उखाड़ कर ले गए हैं। और सिरसे की अगर बात करेंगे तो जमाल गांव, कंवरपुरा, धोलपालिया, सुखचैन, गंगा, नुयावाली, गोदिका, बालासर, यहाँ पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, यहाँ पर कोई कोच नहीं है और कोच को भी मुख्यालय में बुला लिया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक मरतबा जब सरकार के वक्त में जब ये कांग्रेस राज में बना तब यहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी
और उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई भी खेल ऐसा नहीं हो सका है। ये सिर्फ और सिर्फ नशा करने वाले उन नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब रोना ये बिल्डिंग रो रही है। यानी किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। कार्रवाई तो उस ठेकेदार पर भी होनी चाहिए कि महज 11 सालों में बिल्डिंग कैसे बैठ गई, कैसे इसमें दरारें आ गई, कैसे झज्जर हो गई है। कार्रवाई उन तमाम अधिकारियों पर होनी चाहिए जिन्होंने NOC दी होगी या कभी इसका आकर विमोचन भी किया होगा कि इसमें क्या कुछ है क्या नहीं है। कितनी सरकारें आई कितनी बदल जाती हैं, लेकिन करोड़ों रुपए जो जनता का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जाता है वो आप खुद समझ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा। और हमने आपको बताया कि किस किस तरीके से इस तरीके के जो स्टेडियम है वो हमने आपको बताया कि पूरे सिरसा जिला में 9 हैं। और अगर बात आप मैं डवाली की बात करूँ तो गंगा स्टेडियम की यही हालत है, मसीता की यही हालत है और गोदिका की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं। ਮੌਕੇ ਜੀ ਦੀ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 6 ਕਰੋੜ ਦੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, 6 ਏਕੜ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡਣ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈ, ਪੇਜ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੇਟ ਖਿੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਟੋਇਲਟ ਸੋਚਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, 1% ਵੀ। ਬਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕੋਚ ਕੋਈ? ਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੀਐਨ? ਪੀਐਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਜੀ ਆਪਕੋ? ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। अब कोई सुविधा नहीं मिल रही आपको? नहीं जी कुछ भी है नहीं, भजन का ट्रैक भी है नहीं मौके का। हमारे यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे जिम का सामान होना चाहिए और कोच होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। और यहाँ पे बिल्डिंग भी टूटी फूटी हो चुकी है। कोई खिड़की दरवाजा है इसमें? शौचालय की सुविधा कोई? कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, कोई शौचालय और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे गाइड हो, जो हमें गाइड कोच हो जो हमें गाइड कर सके, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है कि ग्राम पंचायतें भी इनका रखरखाव नहीं करती है, पंचायत डिपार्टमेंट भी इनका रखरखाव नहीं करता है। और सवाल ये भी है कि जब ग्राम पंचायतों को जिम्मेवारी मिलती है तो वो लोग भी इसके ऊपर कोई नकेल नहीं कसते हैं कि इनको एक नया रूप दिया जाता, बच्चों का भविष्य यहाँ पर बन जाता। और सबसे दुख की बात है कि आज इन स्टेडियमों के खंडर होने की वजह से खेल जरूर हो रहे हैं, वो खेल चल रहा है चिट्टे का, तस्करी का भी और उससे होने वाली मौत के ग्राफ का भी। अब ऐसे स्टेडियमों के अंदर नौजवानों की लाशें मिलती हैं, हाथों में इंजेक्शन लगे, बात लेकिन पंचायत ना रोल निभाया, ये सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। इस वीडियो को आप जरूर आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि सरकार प्रशासन के कानों तक ये आवाज पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।